लोकसभा चुनाव की मतगणना गुरुवार 23 मई को होने जा रही है, जहां प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान की गणना की जाएगी। मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि गुरुवार को सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर मतगणना आरंभ हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले डाक मतपत्रों और साथ ही ईटीपीबीएस मतपत्रों की गणना की जाएगी। उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम से मतों की गणना शुरू होगी। उन्होंने ये भी बताया कि 25 केंद्रों पर राउंड वार मतगणना करवाई जाएगी और मतगणना स्थल पर और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी, ताकि मतगणना स्थल पर किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। तैयारियां हमारी हो चुकी हैं और सभी 25 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 25 जगह पर मतगणना केंद्र हैं और वहां पर सुबह 8 बजे जो है मतगणना शुरू होगी। और सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट होते हैं और जो ईटीपीवीएस होते हैं उनकी जो है गणना शुरू होती है। ईटीपीवीएस की आपको ध्यान होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी जो है ईटीपीवीएस ही जारी किए गए थे, जो सर्विस वोटर्स होते हैं, और उनकी पहले स्कैनिंग होती है, जो आउटर कवर होता है उसकी, डिक्लेरेशन की, और जो बैलेट होता है उसकी, जो अंदर जो पोस्टल बैलेट होता है उसकी इस बार स्कैनिंग जो है वो नहीं होगी। ये एक फर्क है जो पिछले विधानसभा